इतना बड़ा सेमेस्टर था, तुम्हारा पिछला सेमेस्टर था, तुमने दाखला सितंबर में लिया था, सवा सौ स्टूडेंट था, सवा सौ स्टूडेंट ने दाखला लिया था, पता नहीं किधर जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है, पता नहीं पास कैसे हो जाते हैं। अरे नहीं ना होता है, मतलब वो अब इसमें 201 में आधे फेल हो जाएंगे, मैथ पास कर जाएंगे, 201 नहीं पास हो जाएंगे, और जब तक पता चलता है, एहसास होता है, तब तक लेट हो चुका होता है। तो भाई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मेरा ख्याल आखिरी चीज थी जो हमने की थी, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमने शुरू करना है। तो ये है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि रिजल्ट इज आल्सो अ वेक्टर। प्रोडक्ट दो किस्म के होते थे ना, एक डॉट प्रोडक्ट था उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, और एक क्रॉस प्रोडक्ट था। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये है कि जवाब बजाते खुद एक वो होता है, एक वेक्टर होता है। अब इसका एक्चुअल फॉर्मूला तो सिर्फ ये है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना हमने, ये ऐसे तो फिजिक्स में करते थे। ओहो, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये एन की गेम है इधर, ठीक है। ये एन जो था ये नॉर्मल वेक्टर होता था, एन इज नॉर्मल, इज नॉर्मल वेक्टर डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। हमने ये नहीं करना, ये फिजिक्स में होता था, ठीक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि राइट हैंड रूल ये होता था कि अगर तुम राइट हैंड को वेक्टर ए से बी की तरफ लेके जाओ तो तुम्हारा थंब जो है वो पॉइंट करता था उसकी तरफ जहाँ रिजल्ट आ रहा है उसकी तरफ। अगेन हमने ये ऐसे नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने ये करना है ऐसे कि पहले मैं करवाता हूँ फिर वापस, हमने ये ऐसे करना है, हमने इसकी करनी है मैथ, ठीक है। ये फिजिक्स थी कि जिसमें आप डायरेक्शन इस तरीके से डिटरमिन करते हैं, हमने ये सिंपल मैथ करनी है कि हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, हमने उनको क्रॉस करना है इस तरीके से, ये डिटरमिनेंट लिया हुआ है, ठीक है। मैं अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे काम आती हैं, ठीक है, मतलब ये राइट हैंड रूल से काम आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूँ कि आई मल्टीप्लाई आई क्या होएगा, या जे मल्टीप्लाई जे क्या होएगा, तो तुम ये कहोगे कि इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो ज़ीरो है, आई और आई के दरमियान में एंगल ज़ीरो है, तो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होता है। इन सारों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपस में ज़ीरो ही आएगा, ये याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, बिल्कुल याद रखना है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट वन होता है कि जीरो, जीरो ही होता है वो भी, डॉट प्रोडक्ट वन होता है, वन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, फिर डॉट प्रोडक्ट में वो कॉस आता था, कॉस, तो कॉस जीरो वन होता है, यानी आई डॉट आई जो है ना वो वन हो जाएगा। ये इधर ही हमने करके गए थे ना अभी, ये ये तो परपेंडिकुलर है, तो लिखा नहीं उसने, लिखा नहीं उसने, सिर्फ आई डॉट जे ही लिखा है उसने, तो आई डॉट जे मतलब आई डॉट आई नहीं लिखा उसने इधर ना, तो लेकिन बहरहाल आई डॉट आई में वो वन होएगा क्योंकि वो उसमें कॉस होता है इसमें साइन होता है। अब इसमें ज़रूरी ये है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट्स तुम्हें पता नहीं याद करने इंटर में सिखाए थे या नहीं किसी ने, लेकिन आई डॉट आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होता है, जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर होता है, और इसको याद करने का ये टोटका होता है कि आई क्रॉस जे, आई जे के लिख लो इस तरह से, आई क्रॉस जे क्या होएगा वो के होएगा, जे क्रॉस के क्या होएगा वो आई होएगा, के क्रॉस आई क्या होएगा वो जे होएगा, वो इसको बस याद कर लो। अच्छा, इस ये उल्टा भी चलता है, अगर रिवर्स करो के क्रॉस जे माइनस आई, आई नहीं माइनस आई, यानी अगर रिवर्स जाते हो तो साइन उलट जाता है। तो ये तुम्हें ये वाली लॉजिक जो है ना, बस वो सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक ही काम आनी है, इससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअली जो काम हमने करना है वो आगे वाला है, एक्चुअली जो हमने काम करना है वो ये वाला है, जो मैथ्स में जो इस किताब में जो बेसिकली आगे काम आना है, तो ये बस याद कर लेना। ये भी बात पता होनी चाहिए कि
क्रॉस प्रोडक्ट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम स्पैन्ड बाय द टू. थोड़ा बात को समझना, ये भी अगेन याद रखना एमसीक्यूज के लिए. मुसीबत ये है कि वो एमसीक्यूज में आपको दो वेक्टर्स दिखा के कहेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करो. अब करना सिर्फ ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन अगर किसी बंदे को ये बात याद हो कि क्रॉस प्रोडक्ट ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, अगर ये बात नहीं याद तो फिर काम खराब है, जहरी बात है. अच्छा, अब एरिया पैरेललोग्राम कैसे है कि तुमने दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अगर तुम ए को इधर बी को इधर रखो तो ऑटोमेटिकली एक पैरेललोग्राम बन जाएगी ना. अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो उसका जो आंसर आएगा वो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा. तुमने सिंपली ये याद रखना है कि तुमसे कहीं पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए तो तुमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये डिटर्मिनेंट निकालना आता है, तुम्हें याद है ये कैसे निकालते हैं? जरा बोलो, अगर याद है तो तुम्हारा भी टेस्ट हो जाएगा. पहले की रो लेके फिर पहला रो, पहली रो को ले, यानी जरा बोलो ना, पहले बाकी सारा करते हैं सर. पहले आई लोगे? हाँ जी. फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? आई नहीं, पहली के रो. नहीं, ये वो नहीं है, वो नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन था. इसमें ये था कि सिर्फ आई लेते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो इसके डिटरमिनेंट से, ए टू, ये जो ये चार थे इसके डिटरमिनेंट. ये तुम्हें नहीं याद इसका मतलब है, करवाना पड़ेगा. चलो करवा देते हैं. वो बैठा हुआ ना जाएंगे. फॉर एग्जांपल तुमने इन दो का क्रॉस निकालना है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी. हाँ जी, आओ जी. तो तुम कहते हो कि आई ए के, ये तो फिक्स ही है ना, ये तो है ही है. अच्छा, अब पहला वेक्टर लिखो, यानी टू टू जीरो वन 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 वन, और दूसरा लिखो माइनस फोर फोर थ्री और वन और वन, ठीक है जी. यहाँ तो ठीक हो गया. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि आई लिखते हो, अब आई के बाद ये जो ये चार बचते हैं इनका डिटरमिनेंट, यानी वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री. जब आई लिखते हो ये वही बन जाता है जो कहा था मैंने, तो बस ठीक है. अगर तुम्हें आता है तो वेरी गुड. तो माइनस जे, जे का लेंगे 2.1 मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बस आता है. पर तुम्हें फिर के लेंगे और वो आएगा 2.3 प्लस 1.4, ठीक है. और इसका तुम्हारे पास एक आंसर निकल आएगा, जाहिर बात है. वो आंसर भी एक वेक्टर ही होएगा, जाहिर बात है. क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर भी एक वेक्टर ही होएगा, ठीक है. अच्छा, इसके बाद इसका छोटा भाई है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. याद रहे हमने किया डॉट प्रोडक्ट, इसमें जवाब एक स्केलर आता था. फिर हमने किया क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अंदर जवाब वेक्टर आता है, इसके अंदर जवाब वेक्टर आता है. अभी हमने करके देखा, खुद ब खुद वेक्टर आता है. ये है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, इसमें डॉट प्रोडक्ट भी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी है. यानी ये है कि क्रॉस भी कर रहे हो और डॉट भी कर रहे हो. अच्छा, अब जब क्रॉस करोगे तो जवाब एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का जब डॉट करोगे सी के साथ तो जवाब एक स्केलर आएगा. तो इसका ओवरऑल आंसर स्केलर ही होएगा, इसको इसीलिए ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है. और दिस रिप्रेजेंट्स the volume of the parallelepiped. तब बात फॉलो करना. अब मेरे पास तीन वेक्टर आ गए,
तो ए बी और सी तीन वेक्टर आ गए। तो अब मेरे पास सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं बनेगी बल्कि पूरी एक बॉडी बनेगी, एक थ्री डायमेंशनल शेप बनेगी जिसको पैरेललोपिपेड कहते हैं, ठीक है, पैरेललोपिपेड। तो अगर तुम ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट निकालते हो तो वो इसका वॉल्यूम निकल आता है। निकालना कैसे है, वो बड़ी आसान सी बात है, वो ये है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऐसे निकलता है कि ए शुरू में लिख दे लास्ट में लिख दे, कोई वो है हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ए ए ए क्रॉस बी डॉट सी कर दो या ए डॉट बी क्रॉस सी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें सिर्फ गेम सारी ये है कि इसमें ऊपर आई जे के नहीं आता। भाई अगर ऊपर आई जे के आ जाए तो जवाब तो वेक्टर आएगा, तो इसमें ऊपर आई जे के नहीं आता, इसलिए जवाब जो है आपका वो स्केलर बनता है। एक दो एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस के लिए, काफ़ी आसान है, कर लेना, कोई मतलब मुश्किल नहीं होएगी, लेकिन कर लेना क्योंकि वो मुफ्त के नंबर हैं ये कसम से। वो जिसको बस ये चीज़ें आती होए, फॉर्मूला याद होए, उसके लिए बिल्कुल ईजी फ्री के मार्क्स हैं। ग्रेडियंट करूँ या ना करूँ, अभी ग्रेडियंट क्यों आ गया, अभी पता नहीं ग्रेडियंट क्यों आ गया, अभी ये थोड़ी देर में करता हूँ, इसकी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव टॉपिक है और ये निकलता यहाँ से है टॉपिक, कि डेरिवेटिव कहते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट को। तो मैंने तुम्हें एक बार समझाने की कोशिश की थी कि थ्री डायमेंशंस में टेंजेंट लाइन एक नहीं होती। अगर तुम अपने हाथ की मुट्ठी बनाओ और ऊपर कहीं भी हाथ रख लो, कि मतलब एक पॉइंट पकड़ लो उस हाथ में, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, अब उस पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट नहीं गुजर सकता, हजारों टेंजेंट गुजरेंगे। जब तुम टू डायमेंशनल कागज के ऊपर एक कर्व बनाते हो तो कर्व के अंदर एक ही टेंजेंट होएगा, वो ठीक है, वो मानता हूं, लेकिन इसके अंदर टेंजेंट्स हजारों लाखों बहुत सारे टेंजेंट्स होंगे ना, तो इसके अंदर डेरिवेटिव एक नहीं निकलता, इसके अंदर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलता है, यानी किसी भी डायरेक्शन के अंदर डेरिवेटिव निकलता है, ठीक है। फॉर्मूला इसका ये होता है, एक सिर्फ छोटा सादा सा फॉर्मूला है बिल्कुल, लेकिन ये बजाय इसके कि मैं इसको लिखूं, मैं इसको एग्जाम्पल से तुम्हें करवाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसको लिखना अजीब सा ही है, बस एग्जाम्पल से करता हूँ। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, तो जी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फलाना फंक्शन एट फलाना पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये बात, ठीक है। इस केस में एफ इज द फंक्शन, जाहिर बात है, यू इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी निकालना है। तो पढ़ते इस तरह डी यू एफ लिखा हुआ है ना, डी यू एफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू, ऐसे पढ़ते हो। तो इसको करने के कई तरीके हैं, कैसे करें इसको, पहले चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एफ एक्स, हाँ जी निकालो एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स, ठीक है। अब वो पॉइंट उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, जो पॉइंट दिया हुआ है वो सब्स्टिट्यूट करो, तो वो दोनों वो ऑटोमेटिकली दोनों आएंगे, क्योंकि पॉइंट तो एक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है। अच्छा, अब एफ वाई निकालो, 3x2y, नहीं बस 3x2, नहीं स्क्वायर, और अब इसका जब हाँ इसका आएगा तो वो 3 आ जाएगा। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर यानी बेसिकली पहले a का मैग्नीट्यूड निकाल लो। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए a का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, वो क्या आएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16, ऐसे ही है ना, 16 और k है नहीं, वो जीरो ही, हाँ वो जीरो ही, ये 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, तो यूनिट वेक्टर आएगा 3/5 i
प्लस 4/5 जे, नहीं समझ बात की? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अच्छा अब इसमें जब यूनिट वेक्टर निकाल लोगे तो ये तुम्हारा यू वन कहलाता है, ये वाला हिस्सा आया, और ये वाला हिस्सा तुम्हारा कहलाता है यू टू, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर तुम्हारे पास यू वन यू टू लिखे हुए हैं ना, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा अब तुम्हारे पास सब कुछ तैयार है, अब तुम कहोगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यू इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स यू वन प्लस एफ वाई यू टू, तो एफ एक्स आया है 12, यू वन आया है 3/5, एफ वाई आया है 3 और यू टू आया है 4/5। इसको सारे को सॉल्व करके आप बस आंसर बना लेते हो जो भी आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में सर, ये हमने तो खाली एफ एक्स निकाल लिया था फॉर्मूले के अंदर, हमने नहीं फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला पूरा पढ़ो ना, एफ एक्स यू वन, ये एक्स ये नोट ये क्या ये एक्स जीरो है। अच्छा 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 ठहर ठहर ठहर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव तुम निकालते हो एक पॉइंट के ऊपर, पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, तो यहाँ पे पॉइंट था 1 2, तुमने इस 1 2 को उठा के इसके अंदर डाला ना, हाँ जी, तो इसको एफ एक्स एट 1 2 कहेंगे, एफ एक्स एट दैट पॉइंट, पहले पड़ी बात ठीक हो गया, वो एफ एक्स निकाल के वो जो पॉइंट ही है तो यही है वो, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो इतना ज्यादा मुश्किल करके लिखोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, मैं तो इसके फॉर्मूले को सादा ऐसे लिखता हूँ एफ एक्स यू वन प्लस एफ वाई यू टू, बस ये इस तरह से याद रहता है, लेकिन हाँ जाहिर बात है कि वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना इसमें लाजिम है। एक और है ये खुद कर लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, वेक्टर दिया हुआ है। अब इसमें एक वेरिएशन आती है, एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस जरा देख लो, वो डिफरेंस ये है कि अगर तुम्हें वेक्टर ना दिया हुआ है इन केसेस वेयर वेक्टर इज नॉट गिवन बट वी आर प्रोवाइडेड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देन यूज दिस। खास केस होते हैं जिसमें हमें वो नहीं दिया होता, यू वन यू टू नहीं दिया होता, वेक्टर दिया ही नहीं होता, तो उस केस में फिर आप ये इस्तेमाल करोगे, मतलब ये cos थीटा और sin थीटा लगाते हैं उसके अंदर, बस दैट्स इट, और कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो ये वैल्यू को दी होती है उसकी cos थीटा sin वाली, क्वेश्चन पढ़ के देखो ना, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट मेक्स एंगल, एंगल आ गया, लेकिन sin cos नहीं दिया होगा, वो खुद ही निकाल लेगा, यानी sin ऑफ पाई बाय 3 और खुद निकालना, हाँ वो खुद निकालना, बस मैं एंगल पूछ रहा था, हाँ एंगल दिया होगा, लाजमी लाजमी दिया होगा, वरना तो आप कर ही नहीं सकते ना, और मेरे ख्याल में मैं रुकने लगा, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, हाँ बस मैं रुकने लगा, तुम्हारी क्लास में बंदों ने नहीं आना, इन्होंने आना ही नहीं है, ठीक है, तो हम ये करते हैं कि